अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कैरेट केक बना रही हूँ और ये मैंने 150 ml बटर लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये 1/4 कप की मेजरमेंट है। तो मैं इसमें थ्री फोर्थ कप जो है वो ब्राउन शुगर ले रही हूँ। और आप जब मेजरमेंट ये मेजर करते हैं तो बिल्कुल प्रेस नहीं करना, आपको लूज इसमें लेना है, सॉफ्ट। ये हमने इसको मिक्स कर ले। इसमें हम 2 eggs ले रहे हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बीट करें। एग्स हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 cup मिल्क, वो भी मिक्स कर लें। मिल्क भी मिक्स हो गया है। 1/2 cup इसमें हमने ये बादाम जो है उसका पाउडर लिया है, आलमंड मिल्क। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। मिक्स हो गया ये हमारा अच्छी तरह से। इसमें हम ले रहे हैं 85 grams, 1/3 cup ये है वॉलनट्स, इसको मोटा मोटा सा मैंने पीसा है। और 60 grams, 1/4 cup से कम है ये बादाम के स्लाइसेस हैं, आलमंड स्लाइसेस। इसको भी मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून ये नटमेग पाउडर है, ये ले रहे हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। सिनेमन पाउडर 1/2 teaspoon, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये 1 1/2 बेकिंग पाउडर है। वैसे तो ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं डालती हूँ लेकिन रॉकेट साइंस नहीं। ये 1/4 teaspoon जो है बेकिंग सोडा है। ये ग्रेटेड कैरेट्स हैं, ये 1/2 cup। अब इसमें हम जो है वो 1/2 cup पहले डालेंगे। 1/2 cup करके ये प्लेन फ्लावर, ऑल पर्पज फ्लावर है, वो ऐड करेंगे 1/2 cup के बैचेस में। ये 1/2 cup मैंने डाला है, इसको मिक्स कर रही हूँ। अब 1/2 cup और लेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। बाकी का 1/2 cup मिक्स करते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे हम देख लेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा हमें थिक लग रहा है बैटर, तो हम जो ये मिक्सचर जो है तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लेंगे। सही है, 1/2 cup हमने डाला है तो हम 1/4 cup या 50 ml के करीब और ऐड कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है कंसिस्टेंसी। समटाइम्स जो होता है वो कैरेट्स है उनका पानी होता है, और ये भी कैरेट्स भी वैसे हैं मॉइस्ट, तो ये रिलीज तो करेंगे थोड़ा बहुत, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम अपने टिन में पार्चमेंट पेपर लगा के, बटर पेपर या बटर पेपर लगा के इसको रेडी करते हैं। मैंने 1 pinch सॉल्ट भी डाला है। अब इसको टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे।
180 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ओवन रेडी है। हम उसको रखेंगे 45 मिनट्स तक। हमारा जो ये देखें टेम्परेचर जो है वो 180 है इसका, हमारे ओवन का बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। और इसको हम अब 45 मिनट्स तक बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, 45 मिनट्स के बाद ओवन को खोलेंगे और देखेंगे। सिक्स टू फोर्टी सेवन मिनट्स हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और लग रहा है कि केक बिल्कुल रेडी है। ये हम निकालते हैं। चेक करेंगे स्क्यूअर से डिफरेंट पोजीशंस पे। क्लियर आ रही है, हमारा केक रेडी है। अब हम इसको टिन के अंदर ही ठंडा होने देते हैं। 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, अब हम इसको वायर रैक पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हमने जो कास्टर शुगर है वो हाफ ग्लास में भर के 1 टेबल स्पून उसका ये हमने लिक्विड बनाया है और ये हम केक के ऊपर ब्रश कर देंगे इससे, तो ये क्रस्ट सी बन जाती है केक के ऊपर, ये सॉफ्ट हो जाएगी। ठंडा हो गया, हम इसे कटिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र करते हैं आराम के साथ। और इसे ट्राई करते हैं आप। ये हमारा कैरेट केक रेडी है। आप देखें कितना मॉइस्ट बना है। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कैसा आपका रिज़ल्ट आता है आप मुझे अपने मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।